Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So, today I'm going to take one more interesting story, and through this English story, you will learn tenses, vocabulary, pronunciation, and how to do perfect reading. So, without wasting time, let's start. the three vcs one day a poor cut woodcutter was in the forest looking for a tree to chop down after walking around for some time he came to an old tree that had big holes in it एक दिन की बात है एक गरीब जो वुड कटर लकड़हारा जो था जो लकड़ियाँ काटने वाला होता है वो फॉरेस्ट में जो है लकड़ियाँ काटने के लिए गया चॉप डाउन काटने के लिए आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम कुछ समय घूमने के बाद वो एक पुराने पेड़ के पास आया जिसके अंदर जो है बड़े बड़े होल से इस तरीके से एज हि स्वांग एट द ट्री Stop, stop. तो कुल्हाड़ी को जो है हवा में उछाली स्व की हवा में लहराई ट्री को काटने के लिए वैसे ही एल्फ जो है चिल्लाता हुआ बाहर आया एल्फ मतलब ये बोना जो है एल्फ जो है जादूगर एल्फ जो है बोना भी बोला जाता है तो ये जो है एल्फ बाहर आया और वो चिल्लाया प्लीज रुक जाओ रुक जाओ इस पेड़ को मत काटो एट द मैन गो टू ओवर हि सरप्राइज द एल्फ प्लीडेड प्लीज डोंट हार्म दिस मैजिक ट्री इट्स माई होम सो वो आदमी बड़ा सरप्राइज हुआ कि आखिर ये कहां से आया तो एल्फ ने जो है बड़ी विनती की उसके सामने प्लीडेड किया प्लीज डोंट हार्म दिस मैजिक ट्री प्लीज इस जो मैजिक ट्री है इसको नुकसान मत पहुंचाओ ये मेरा घर है इफ यू स्पेयर दिस ट्री आई विल ग्रांट यू थ्री विशेस अगर तुम इस पेड़ को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी तीन विशेष को पूरी करूंगा द वुड कटर एग्रीड द स्ट्रेंज वर्ड्स एंड दिस द वुड कटर वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द एल्फ एंड द थ्री विशेज सो वुड कटर जो था वो राजी हो गया और उसने जो है एल्फ ने जो है क्या किया जादूगर ने जो एल्फ जो था उसने कुछ विसवरिंग की गुसुरपुस जैसे कहते हैं अजीब अजीब से वर्ड्स बोले और गायब हो गया जिस सपे मींस गायब होना तो वो वुड कटर जो घर गया और उसने सारी बात अपनी वाइफ को बताया एल्फ के बारे में और उसकी तीनों विशेष के बारे में यू आर सो टायर्ड यू मस्ट बी ड्रीमिंग द मैन वाइफ सेड विद लाफ थ्री विशेज इन डिट द वुड कटर वॉज पजल्ड दैन फीलिंग हंगरी वेर इज माई शू सो उसके बाद उसने कहा कि तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो शायद तुम सपना देख रहे हो उस आदमी की वाइफ ने जो है हंसते हुए बोला शायद तुम सपना देख रहे हो थक चुके हो इसीलिए तीन विशेष सच में वुड कटर जो है बहुत ज्यादा पजल हो गया और उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो उसने कहा मेरा सूप कहाँ है अपनी वाइफ को इट विल बी रेडी सोन हिज वाइफ सैड उसकी वाइफ ने बोला हाँ बिल्कुल वो जो है जल्दी ही रेडी हो जाएगा जस्ट गो एंड सेट तुम जाओ और बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ दैन विदेड आई विश आई हैड सम सोसेज टू गो विद द सूप तो वह कहती है आटवी काश मेरे पास जो है तुम्हें तुम्हें सूप के साथ सोसेज भी होता सोसेज जो है एक टाइप की डिश होती है नॉन वेज जो हमेशा सूप के साथ खाई जाती है तो उसने कहा काश मेरे पास जो है सोसेस होती तो मैं तुम्हें जो है इस सूप के साथ देती सडनली अ स्ट्रिंग ऑफ सोसेस अपियर राइट आउट ऑफ थिन एयर वेयर हंग देयर बिफोर देयर आईज एज द वुड कटर एंड हिज फ्राइट वाइफ स्टेड एट दैम तो अचानक ही एक सॉसेज की जो लड़ी जो है स्ट्रिंग मतलब धागे में लटकी हुए सॉसेज जो है जस्ट उनके सामने हवा में दिखने लग गए और वो उनके सामने ही लटक रहे थे बिल्कुल आंखों के सामने वुड कटर के तो ये देखकर वो और उसकी वाइफ उसको घूरते हैं और दोनों डर जाते हैं गुडनेस आई विश फॉर सोसेज एंड द विश कैम्प ट्रू उसने कहा ओ मैंने सॉसेज की विश की थी और मेरी तमन्ना पूरी हो गई द वाइफ एक्सक्लैम और वो जो है एक्साइटेड होकर चिल्लाई कि मेरी तमन्ना पूरी हो गई देर रियली आर थ्री विशेष वाकई में ही तीनों विशेज है इसका मतलब क्योंकि वो तमन्ना करती है कि भाई सूप के साथ सॉसेज होने चाहिए था तो एक विश तो पूरी हो गई इनकी क्योंकि इसने सॉसेज की तमन्ना की थी तो सॉसेज पूरा हो गया What a stupid things to do! Shouted the 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 woodcutter, growing angrily. You have wasted the first wish. I wish I would get stuck up your nose. Sure enough, the flew towards his wife. तो उसका हस्बैंड चिल्लाता है कि क्या तुमने बेवकूफों वाली हरकत कर दी और गुस्से में वो चिल्लाता है कि तुमने जो है एक मेरी विश को खत्म कर दिया बर्बाद कर दिया काश में जो है ये सोसे जो है तुम्हारे नाक में लटका देता तो उसने क्या किया आखिर उसने भी तो एक और विश मांग ली यू हैव वेस्टेड द फर्स्ट विश तुमने एक विश को बर्बाद कर दिया आई विश दिस सोसेस वुड गेट स्टक अप योर नॉइज काश जो है ये सारे सोसेस तुम्हारे नाक में लटक जाते श्योर इन ऑफ द सोसेस फ्लू टूवर्ड्स इज वाइफ और ऐसा उसने कहा और कहते ही सारी सोसेज जो है उसकी वाइफ की तरफ दौड़ पड़े ये देखिए सारे सॉसेज जो है उसकी तरफ दौड़ पड़े और इस तरीके से नाक में जाकर लटक गए अंदर बट दे वुड नॉट कम आउट सोसेज जो है वो उसके पुअर वुमेन्स के बेचारी औरत के जो है नाक में जाकर स्टक हो गए फंस गए और उसके बाद उसने कहा इसे हटाओ जल्दी इसे बाहर लाओ हटाओ इसे वो बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाई लेकिन वो उसे खींच नहीं पा रही थी उसने बहुत कोशिश की उसे खींचने की लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे द वुड कटर थॉट शी लुकड वेरी फनी एंड ही ब्रस्ट आउट लाफिंग सो वुड कटर ने जो है अपनी वाइफ को जब इस कंडीशन में देखा तो वो बहुत फनी लग रही थी कॉमेडी जैसा कहते हैं ना बहुत हंसी आ रही थी तो वो बहुत तेजी के साथ जो है हंस रहा था बहुत तेजी के साथ अपनी वाइफ को देखकर हंस रहा था Then, seeing how frightened she हाउ फ्राइटन शी stopped द मैन स्टॉप लाफिंग एंड his टू हेल्प grabbed वाइफ ही and tried पुलिंग ऑन them, बट दे वुड नॉट कम आउट ही पुल सो हार दैट दे बोथ फेल ऑन द फ्लोर जब उसने देखा कि ये सब कुछ देख कर के उसकी वाइफ जो है इस तरीके से परेशान हो रही तो वो डर गया और वो हंसना बंद हो गया और उसने अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए पास में गया ही क्रैप द सोसेज उसने जो है खींचने की और करने की कोशिश की बाहर लाने की उसे कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आया सो ही पुल सो हार दे बोज फेल ऑन द फ्लोर उसने कई जो है कोशिश की इतनी कोशिश की कि दोनों ही गिर पड़े जमीन के ऊपर वेल आई गेस देर इज ऑनली वन थिंग टू डू द वुड कटर सेट इज अनहैप्पी वाइफ सेट दे आर वॉन्डरिंग व्हाट ही कूड डू तो अब मुझे जो शायद एक ही उम्मीद लग रही है मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम एक ही काम कर सकते हैं वुड कटर ने कहा

तो उसने जो है क्या किया विश करना विश कर ली कि काश ये जो चीजें हैं ये तुम्हारी नोज को छोड़कर चला जाए द सोसेज फ्रॉम हर नोज एंड द शाइड विल देन शी अप एंड वाइड द दूप सोन दूफ सेट डाउन एट द टेबल फॉर अ क्वाइट डिनर इवन दो दे कुड हैव विस्ड फॉर अ पोर्ट ऑफ गॉड एट लीस्ट गुड मील ऑफ सोसेज सो so, वो ससेज जो है हवा में उड़ गया और नोज छोड़कर चला गया वुमन ने जो है आह राहत की सांस ली उसके बाद वो उठी और अपने हस्बैंड के लिए वुड कटर के लिए सूप लेकर आई दोनों ने बैठकर उस टेबल पर डिनर लिया इवन दो दे कुड हैव विश फॉर द पोर्ट और उन्होंने विश काश वो विश कर लेते कि वो गोल्ड की होती सो so, उसकी जो है सूप लेकर आती है फैच मतलब लाना और दोनों ही अच्छे से टेबल पर बैठ जाते हैं डिनर के लिए इवन दूड है काश हमने जो है एक गोल्ड की जो है बर्तन के बारे में विश की होती एटलीस्ट दे गुड मील ऑफ सोसेज लेकिन फिर भी उन्होंने कहा शायद हमारे अच्छी खासी सोसेज की जो है मिल हो गई तो जो तीनों विश दी थी क्या कि आपकी तीनों विशेष पूरी होगी इन बेवफ़कूफ़ों ने अपनी छोटी छोटी नादानियों की वजह से वो तीनों ही जो विश थी वो पूरी कर दी तो एक तरीके से विश पूरी हुई भी और नहीं भी हुई क्योंकि वो ना होने के बराबर हो गई अगर इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ के लिए विश किया होता तो शायद ऐसा कुछ हो जाता लेकिन अफसोस इनकी तीनों ही विशेष जो है वेस्ट गई क्योंकि ये इन लोगों के लिए काम नहीं आई इनकी बचकानी हरकतों की वजह से वो तीनों ही जो है क्या हो गई खत्म हो गई फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटिंग वीडियोज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नास पाठशाला थैंक यू टेक केयर एंड बी सेफ एट होम